रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली का रिवाइज में आज हमारी अव्यक्त मुरली है 62वीं। विषय है काम धेनु का अर्थ। रिवाइज हो रही है, बाबा ने सुनाई थी 26 जून 1970। अपने को साक्षात्कार मूर्त समझती हो? मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? मूर्ति के पास किस लिए जाते हैं? अपनी मन की कामनाओं को की पूर्ति करने के लिए। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो जो कोई आत्मा भी किसी भी प्रकार की कामनाएं हो। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बने हो कि किसी के मन में कोई भी कामना हो उनकी पूर्ति कर सको। क्योंकि आज का टाइटल क्या है, मुरली का विषय है कामधेनु, है ना? कामधेनु का मतलब क्या होता है? जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली हो। कल की पूरी होगी थी, अभी पूरी हो जाएगी। अल्पकाल की कामनाएं नहीं, अल्पकाल की कामनाएं नहीं, सदा काल की कामनाएं पूरी कर सकते। अल्पकाल की कामनाएं, संसारी कोई भी चीजें दे दिया वह अल्पकाल की, परंतु हमने तो क्या करनी है, सदा काल की कामनाएं पूरी करनी है। बाप से मिला दो, सदा काल की कामनाएं पूरी, झंझट खत्म। कामधेनु माताओं को कहा जाता है ना, कामधेनु का अर्थ ही है सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली। जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगे। देखिए, अपनी कामनाएं पूरी नहीं है वो किसी क्या करेंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या, उनके मन में कोई इच्छा है तो वो ऐसा अभ्यास करना है प्राप्ति स्वरूप बनने से औरों को प्राप्ति करा सकते हो। तो सदैव अपने को दाता अर्थात अथवा महादानी समझना है। याद है महादानी, दानी, महादानी और वरदानी, उसको याद है, सुना बता दिया। महादानी में धारण करना, हाँ वरदानी में करके दिखाना, बना करके उनको। दानी मतलब ज्ञान सुना और सुना दिया, महादानी माना ज्ञान का मनन चिंतन किया, मंथन किया, ठीक है, फिर उनको समझाया। और वरदानी में अपने जीवन में धारण करके उनके जीवन में कैसे धारण हो करके दिखाना। महाज्ञानी बनने के बाद महादानी का कर्तव्य चलता है। फिर ज्ञान को अपनी बुद्धि में मनन चिंतन करो, फिर दूसरे को समझाओ। महाज्ञानी की परख महादानी बनने से है। सैर करना अच्छा लगता है, जिनों को सैर करने की आदत होती है वो सदैव सैर करते हैं। यहां भी ऐसे है, जितना स्वयं सैर करेंगे उतना औरों का भी, वो भी बुद्धि योग से सैर कराएंगे। आप लोगों से साक्षात्कार होना है, जैसे साकार रूप के सामने आने से हर एक को भावना अनुसार साक्षात्कार व अनुभव होता था। साक्षात्कार होता था, ब्रह्मा बाबा के पास जाते ही उनको अनुभव हो जाता था और जो समस्या थी समाधान। बाबा को पहले सुनते थे, फिर हल देते थे, फिर तो ये अवस्था हो गई कि बाबा तक पहुंचने से पहले ही समस्या का समाधान ही हो गया। मतलब बाबा तक जाना ही नहीं पड़ता था कि बाबा के पास जाएं, बताएं,
फिर वो बताए तो हल को। ऐसे आप लोगों द्वारा भी सेकंड बाय सेकंड अनेक अनुभव व साक्षात्कार, अनेक अनुभव व साक्षात्कार होंगे। ऐसे दर्शनीय मुहूर्त व साक्षात्कार मुहूर्त तब बनेंगे जब अव्यक्त आकृति रूप दिखाएंगे, अपना अव्यक्त आकारी रूप दिखाएंगे। मतलब साकारी नहीं, आकारी रूप, मतलब आपकी उनको याद आते ही समस्या का समाधान हो जाए। मतलब जैसे, मतलब समस्या का समाधान तो नहीं है, मतलब मेरे को जैसे मैं अपना देखता हूँ कि बात तो रोजाना करते रहेंगे, उनको पता है ना। जैसे ही मैं स्टाफ रूम में जाऊंगा, भाई शर्मा जी आ गए हैं, 5000 साल पहले भी ऐसे आए थे और हर 5000 साल बाद ऐसे आएंगे, देख अब तुम मजाक कर रहे हो, 5000 साल बाद तुम फिर मजाक करोगे। मतलब उन्होंने पहले मेरे से पहले बोलना शुरू कर देना, मतलब ऐसे ही उन्हें याद आते ही उनकी समस्या समाधान हो जाए। मतलब वो तो चाहे मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हों, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, परंतु मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपको याद आए और आपकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि बाबा ने समाधान दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके द्वारा उनको समाधान मिला, मतलब आपकी याद आते ही उनको समस्या का समाधान हो जाए। मतलब ब्रह्मा बाबा तक जाएं, पूछें, फिर बाबा बताए, ये बताया तो था, बताना ही ना पड़े। मतलब वो ऑटोमेटिक टीचर की याद आते ही समाधान हो जाए। तो ये आकारी रूप हो गया ना, टीचर का आकार ही याद आया, टीचर तो सामने आया ही नहीं, ठीक है। कोई भी सामने आए तो उसे शरीर ना दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय रूप दिखाई दे। सिर्फ मस्तक की लाइट नहीं, लेकिन सारे शरीर द्वारा लाइट के साक्षात्कार होंगे। जब लाइट ही लाइट देखेंगे तो स्वयं भी लाइट रूप हो जाएंगे। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।